ऐसा है, पूरे शहर का रुझान बहुत बढ़िया है, निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। आपने देखा भी होगा, जहाँ जाते हैं अपार समर्थन और अपार आशीर्वाद मिलता है। और इन कॉलोनियों के जो हमारे जो बुजुर्ग थे, सभी ने जिम्मेवारी ली है कि भारी मतों से जिता करके आपको नगर परिषद में भेजने का काम करेंगे। सर, आपके साथ कांग्रेस के कई नेता हैं, वो किसी और पार्टी के नेताओं को सपोर्ट करते हैं? ऐसा कुछ नहीं, वो सारे के सारे आप चुनाव जीतेंगे निश्चित तौर पे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस नेता, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे अपनी सपोर्ट कर रहे हैं और चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। आज के चुनावी जनसभा में पहुंचे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे से पूर्व सभी वक्ता बोल चुके हैं और सभी का माध्यम और सभी की बात एक ही है कि आने वाले 19 तारीख को आप अपना एक एक वोट बस के सामने वाला बटन दबाकर फाइल इनपुट देने को तैयार बढ़ा दो। उसके बाद विकास कार्य इन्होंने पहले भी प्रूव किए हैं और आगे भी प्रूव करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी, दुकानदार, सारा का सारा तबका दुखी है। फिर ये वोट के हकदार कैसे? हमने 5 साल तक आपके शहर में, आपके वार्ड में सेवा की है। जो ये सड़क है, ये हमारे पास की नीति हमने बनाई थी। जो डिवाइडर था, ये भी हमने बनाया आपके आशीर्वाद से। और जो लाइटें लगी, ये भी आपके आशीर्वाद से हमने लगाई। तो आप जानते हो कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। आज जो पहले मेरी माताएं बहने कूड़ा सिर पर ताजमा लेकर के कूड़ा प्वाइंट पर डालने के लिए जाती थी, आज घरों से टीप पर कूड़ा लेने के लिए आता है। और जब आपका भाई 19 तारीख को आप वोट करोगे और 22 तारीख को जब नगर परिषद में पहुंचेगा, तो और भी जो व्यवस्था टिप्पर की व्यवस्था है पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी, ताकि मेरी माताएं किसी प्रकार से तकलीफ ना पाए, मेरे भाई किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना पाए। पर अपनी एक सोच और भी है कि अब की बार जब नगर परिषद का चेयरमैन आप सब होंगे, तो हासी में युवाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे हमारे शहर के बच्चे खेल पाएंगे, नशे से दूर रहेंगे और अपने हलके में, देश में, प्रदेश में माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। और एक सोच और भी है कि सीसीटीवी कैमरे हर गली चौराहे पर पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ये हमारा मुख्य रूप से एजेंडा है। जो भी नगर परिषद से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं होगी जीवन में, वो सारी की सारी घर बैठे आपके वार्ड में निपटाई जाएगी। आपको कमेटी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था आपका भाई, आपका बेटा बनाने का काम करेगा। और वो जब पढ़ पाएगी, जब 19 तारीख को आप बस के सामने वाला बटन दबा दोगे, जब 22 तारीख को गिनती हो, तो इन सभी विरोधी दलों को बता देना कि हमारा बेटा नहीं, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आज नगर परिषद का चेयरमैन रिंकू सैनी नहीं, हम सब बनेंगे। आप सब नगर परिषद के चेयरमैन बनोगे। हमने शहर के अंदर 3 कॉम्युनिटी सेंटर पास करवा दिए, जो बनकर के तैयार हो गए। ये भी एक हमारी सोच थी कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपनी लाडली की शादी कॉम्युनिटी सेंटर में, मैरिज प्लेस में करेंगे। लेकिन आम आदमी की बहुत से बड़ा दूर होता है, लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कितना रुपए दे देते हैं। वहाँ मामूली सी मात्र फीस में हर प्रोग्राम आप कर पाओगे। ये भी आपके भाई, आपके बेटे की सोच थी। और मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो वोट है वो बेकार नहीं जाएगा, आपकी सपोर्ट बेकार नहीं जाएगी। आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में आज वादा करके जाता है कि आपकी समस्याएं आपके गली में, आपके चौराहे पर आकर के दूर करूंगा। मैं अपने आप विश्वास दिलाता हूँ आपको। और पूरे शहर को पता है इस बात का कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हमने जो कहा शहर में वो किया। अभी थोड़े दिन पहले आवारा पशुओं की बात थी, जितने भी पशु है, गाय है, हम पशु मुक्त अभियान भी चलाएंगे, शहर को पशु मुक्त करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, लाइटों का ध्यान रखेंगे,
सारा का सारा पूर्ण रूप से मेरी माताओं बहनों और मेरे भाइयों के लिए सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपका अपना भाई हूं, आपका बेटा हूं, आप सब इस बात को जानते हो कि नगर परिषद का चुनाव ये रिंकू का नहीं है, ये आप सबका नगर परिषद का चुनाव है। आपको इन पर बता देना है कि रिंकू सैनी अकेला नहीं है, रिंकू सैनी के साथ हास्ट्री का पूरा शहर खड़ा है। चाहे कितने भी ये नेता गिरेंगे यहाँ पर, आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े नेता बुलाएंगे आप लोगों के बीच में, आपको बहकाएंगे, गुजराएंगे कि वोट डाइवर्ट हो जाए, वोट हमारे को मिले। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई है आपका तो मैं आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ता तो आगे से भविष्य में आप लोग भूल जाना कि आप कभी हाँसी शहर से चेयरमैन बन जाओगे, आप कभी हाँसी शहर से विधायक बन जाओगे। ये स्वाभिमान की लड़ाई आपके भाई ने, आपके बेटे ने लड़ी है। तुम्हें मैं इस बात को फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस लड़ाई में आप लोग हमारा सहयोग करो ताकि आने वाले समय में आप दोबारा फिर चेयरमैन बनोगे, फिर विधायक बनोगे, फिर मंत्री बनोगे। ये भूल मत जाना, आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट बस के निशान पर लगा करके अपनी जीत करनी है। आपकी जीत होगी, हमारी जीत नहीं, आप सबकी जीत होगी, पूरे शहर की जीत होगी, पूरे बैकवर्ड समाज की जीत होगी, सभी अन्य समाज की जीत होगी, सभी की जीत होगी, ये आपकी जीत होगी। और रही बात वोट की, आपका पूरे शहर के अंदर वोट है, कहीं किसी कॉलोनी में आपका भाई सारा है, कहीं किसी कॉलोनी में आपके रिश्तेदार बैठे हैं, कहीं मित्र बैठे हैं, आप सभी को टेलीफोन के माध्यम से या जाना पड़े तो जाओ और उनको बताओ कि ये इलेक्शन रिंकू का नहीं है, हमारा हाँसी की आम जनता सबका इलेक्शन है और ये चुनाव जीतना रिंकू से नहीं जीतोगे, आप जीतोगे। और मैंने आपको दोहरा भी दी इस बात को कि आपकी गली में बैठ करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे, हर पॉइंट पर सेंटर बनाएंगे ताकि आपकी वार्डों की समस्या वहीं सुनी जाए और आपको इस समस्या का समाधान करके आपके घरों में कागज प्राप्ति बताए जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आने वाले 19 तारीख को पुनः फिर बस के निशान का बटन दबा करके आपकी अपनी जीत होगी, आपके भाई की जीत होगी, पूरे शहर की जीत होगी। इसलिए आपके बीच में आज फिर वोटों की अपील करने के लिए आप बोलते और इतने अपार समर्थन उत्तर सभा बचन सभा में बदल करके आप लोगों ने हमारे को जो आशीर्वाद और प्यार लाड दुलार दिया इसके हम सदा आभारी और ऋणी रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।